नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका अपने YouTube चैनल DRS Maths पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, फर्स्ट लेक्चर में हमने जहां तक देखा कि क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से कुछ एक डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में किया। आज उसी कॉन्टिन्यूएशन में आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चन पार्टनरशिप पर आते हैं और उनको कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पार्टनरशिप के फर्स्ट लेक्चर में जैसा कि हमने जाना कि पार्टनरशिप का बेसिक्स क्या है, यानी साझेदारी के बेसिक्स क्या है, बेस क्या है और उस पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम उसी पार्टनरशिप पर एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या यूं कहें कि उसी को हमने इस टाइप में कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, यहां पे क्या है, देखिए फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है ए की पूंजी और ए का समय, मतलब फर्स्ट जिस पर्सन का कैपिटल है, जिस पर्सन का पैसा है, इंटू उसका जो टाइमिंग है, पैसा इंटू समय पहले आदमी का, पैसा इंटू समय दूसरे आदमी का, ये दोनों उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में उनका लाभ है, प्रॉफिट है, ए का प्रॉफिट अपॉन बी का प्रॉफिट। ठीक, अब आप देखो यहां पे छह चीजें हैं, पहले आदमी का यानी फर्स्ट का कैपिटल, सेकंड फर्स्ट का टाइम, सेकंड का कैपिटल, सेकंड का टाइम, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट, प्रॉफिट ऑफ सेकंड। इसमें से कोई भी एक चीज आपको नहीं दी गई होगी, उसको आपको निकालना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए ने, ए को 3000 रुपए प्रॉफिट मिलता है, टोटल प्रॉफिट जो कि 9000 रुपए है, 9000 टोटल प्रॉफिट का 3000 रुपया अगर ए को मिलता है, जिसमें से ए 5000 रुपए एक साल के लिए खर्च किया हुआ है और बी 6 महीने के लिए खर्च किया हुआ है, तो आपको बताना है कि बी ने कितने पैसे खर्च किए। तो हमने आपको अभी जो फॉर्मूला क्या बोला, ए का पैसा, तो ए ने कितना पैसा खर्चा किया, 5000 रुपए इंटू ए का टाइम। तो देखो यहां पर ए का जो टाइम है वो ईयर में है और बी का जो टाइम है वो महीने में है, तो सबसे पहला काम करना होगा दोनों को एक में करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक साल को महीने में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 12 महीने। तो ए का पैसा, ए का टाइम डिवाइडेड बाई बी का पैसा आपको निकालना है, नहीं मालूम है मान लीजिए एक्स, बी का टाइम कितना है 6 महीने, इज इक्वल टू उनके लाभ का अनुपात। ठीक है, मतलब ए का प्रॉफिट कितना है 3000 रुपए, कुल प्रॉफिट कितना था 9000, 9000 में से 3000 किसका, ए का, तो बाकी कितना बच गया 6000 रुपए, ये 6000 किसका है, बी का। क्लियर, अब आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे वही आपका आंसर हो गया। तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, एक्स इधर जाएगा तो ये वैल्यू हो गया एक्स, 4 × 5 करोगे तो 20000। तो बी ने कितना पैसा लगाया हुआ है व्यापार में, इसका सही आंसर आपको मिल गया 20000 रुपए। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि ए, मतलब जो टोटल प्रॉफिट 9000 रुपए का है, उसमें से ए को 6000 रुपए मिलते हैं जो कि उसने बी के साथ मिलकर के एक साल में कमाया है, मतलब ए और बी किसी बिजनेस में एक साथ लगते हैं, उनका एक साल का फायदा प्रॉफिट होता है 9000 रुपए, जिसमें से ए को मिलता है 6000, तो ऑटोमेटिकली बी को 3000 मिल गया। अब बोल रहे हैं अगर ए ने 20000 रुपए 6 महीने के लिए खर्च किया है तो, और बी ने एक साल के लिए पैसा खर्च किया है, तो बी ने कितना पैसा खर्चा किया है आप बताओ, तो आपको क्या बोलना भाई, ए का पैसा यानी कितना 20000 रुपए इंटू ए का टाइम 6 महीने, बी का पैसा एक्स रुपीज, बी का टाइम, अब देखो एक का टाइम महीने में है, दूसरे का साल में है, तो दोनों को सेम में बदलना पड़ेगा, तो बी का टाइम भी एक साल की जगह कितना हो जाएगा 12 महीने, इज इक्वल टू अब उनका प्रॉफिट कितना, ए का प्रॉफिट है 6000 और बी का टोटल प्रॉफिट 9000, ए का 6000, तो बी का ऑटोमेटिकली हो गया 3000। अब फिर से वही सिंप्लीफाई करो, ये 3 जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 3 4 12, यहां से क्या आ जाएगा 4 5 20, आ गया 5000, तो x इज इक्वल टू आंसर आपका क्या हो गया 5000। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए और बी मतलब कुछ पैसे को एक साल के लिए लगाते हैं, ठीक है, और अपने प्रॉफिट को 2:3 2:3 के अनुपात में बांटते हैं। अगर ए का जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो 40000 है, तो बी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो आप बताओ। तो देखो ए का कैपिटल मतलब पहले वाले का कैपिटल कितना है 40000 रुपए इंटू पहले वाले का टाइम,
टाइम नहीं दिया है, दोनों ने एक साथ सेम टाइम के लिए लगाया था, मान लेते हैं टाइम मान लीजिए वन, दूसरे का कैपिटल निकालना है, टाइम इधर भी है वन। अब इज इक्वल टू क्या था कि पहले वाले का प्रॉफिट अपॉन दूसरे वाले का प्रॉफिट। तो कभी भी जब दो चीज सेम चीज अगर न्यूम अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी जाती है तो वो क्या होता है, रेशियो। तो इसमें से ए को कितना लाभ हो रहा है, दो डिवाइडेड बाई तीन। अब जो भी होगा वो 2:3 के रेशियो में ही होगा। तो यहां पर जो जो हमने प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, तो उसमें या तो दोनों के प्रॉफिट का रेशियो अगर आपको पता है तो रेशियो भी आप लिख सकते हैं। ठीक, अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कैंसिल होगा, एक्स इधर जाएगा, बाकी चीजें इधर जाएंगी, तो आपको ये मिल जाएगा क्या, 40,000 इंटू 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अभी ये 2 × 4 ये वैल्यू हो गया 20,000, 20 × 3 = 60,000, तो एक्स की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो हो जाएगी 60,000। यानी बी कितना लगा रहा है पैसा, 60,000 रुपए खर्च कर रहा। ठीक है, कितनी आसानी से देखिए आपको आंसर मिल जा रहा है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि ए एक बिजनेस शुरू करता है 4,200 रुपीज इन्वेस्ट करके, बी उसी बिजनेस को 7,200 रुपीज इन्वेस्ट करके ज्वाइन करता है। ठीक, ये बोल रहे हैं कि बी ने कब वो बिजनेस शुरू किया होगा यदि एक साल के बाद में दोनों का जो प्रॉफिट का रेशियो है, दोनों का जो लाभ का अनुपात है वो अगर बराबर होता है। हम पहले देखते हैं ए का पैसा 4,200 इंटू ए का समय, ए ने शुरू किया था तो ए पूरा एक साल तक, कितना पूरा कंप्लीट वन ईयर तक उसने किया होगा, तो एक साल का मतलब 12 महीने हो गए, डिवाइडेड बाई बी का पैसा 7,200 इंटू बी का टाइम निकालना है मान लो एक्स महीने, इज इक्वल टू उनके लाभ का अनुपात बराबर है, मतलब समान है, यानी कि 1:1 है, जितना प्रॉफिट ए का है उतना ही बी का है, ऊपर हम पहले वाले को नीचे दूसरे वाले को लिख रहे हैं। अब यहीं से सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 12 6 12 6 72 हो गया, 6 7 42 एक्स इधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा 7 = x। इसका मतलब कि बी ने कितने 7 मंथ्स के बाद में बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, बी ने कितने टाइम के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया था, 7 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया था। ठीक, तो कितने टाइम के बाद ज्वाइन किया था, तो ये इन्होंने किया 12 महीने के लिए, बी ने किया 7 महीने के लिए, तो कितने महीने के बाद में, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि आफ्टर 5 मंथ्स। ठीक है, आपसे यही मिस्टेक होता है, आप ये कैलकुलेट करते हैं आंसर 7 आता है और 7 को आप टिक कर देते हो, जबकि आपसे पूछा है कि बी ने कब ज्वाइन किया बिजनेस को, तो बी कब ज्वाइन कर रहा है अभी आप बिजनेस को, 5 महीने के बाद, जब से ए ने स्टार्ट किया उसके 5 महीने के बाद बी आता है और बी 7 महीने के लिए बिजनेस को करता है, जिससे दोनों का प्रॉफिट का रेशियो इक्वल आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या आपको दिया है कि ए एक बिजनेस शुरू करता है कितना इन्वेस्टमेंट करके, 10,000 रुपए, बी उसी बिजनेस को ज्वाइन करता है 8,000 रुपए इन्वेस्ट करके 4 महीने के बाद में। ठीक है, अगर साल के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट है 4,600 रुपए, तो आपको बताना है कि बी का कितना शेयर है। तो आप सबसे पहले देखो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,000 रुपए यानी कि 10,000 इंटू ए का टाइमिंग। ठीक, एक टोटल कितना है एट द एंड ऑफ ईयर साल के अंत में, यानी कि ए पूरे टाइम के लिए था तो कितना हो गया 12 महीना। बी ने बिजनेस को शुरू किया कितना पैसा खर्चा करके, 8,000 रुपए, और कितने टाइम के लिए था बी, बी 4 महीने के बाद आया है, आफ्टर 4 मंथ्स, 12 में से 4 महीने के बाद अगर आया तो 12 - 4 यानी 8 मंथ्स के लिए आ गया। ठीक, अब दिस इज इक्वल टू दोनों के प्रॉफिट का शेयर होगा, यानी कि ए बाई बी, ए का प्रॉफिट और बी का प्रॉफिट। ठीक है, मैंने इसको सिंपली लिख दिया ए बाई बी, यहां से हमको क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा इनके प्रॉफिट का। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये 3 0 3 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 4 3 = 12, क्लियर। अभी क्या हो गया, 5 3 = 15, यानी कि a बाई बी इनका जो रेशियो आ गया वो हो गया 15/8 यानी कि 15:8, 15 और 8 के रेशियो में ये पैसा बटेगा। ठीक है, पैसा कौन सा बांटना है, 4,600, हमने रेशियो में आपको समझाया, जो पैसा बांटना है वो लिखो, इंटू जिसका शेयर निकालना है, बी का शेयर निकालना है तो बी का क्या नंबर है 8, वो लिखो, डिवाइड करो किससे, दोनों को ऐड कर दो, तो 15+8 दोनों को ऐड किया तो हो जाएगा 23, 23 2 = 46, यहां हो गया 200, 8 2 = 1600, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, 1600।
बी को 1600 मिलेगा तो ए को ऑटोमेटिकली कितना मिल जाएगा 3000। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले जरूरी नहीं कि हर बार आपको प्रॉफिट और दोनों का प्रॉफिट दिया ही हो, नहीं प्रॉफिट दिया है तो यहां से उन दोनों के प्रॉफिट यानी जो उनका लाभ है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस अनुपात में बटेगा, ये आपको मिल जाएगा। अगर ये मिल गया तो फिर आप वैल्यू निकाल सकते हैं जो आपसे पूछेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि पी 12000 रुपए खर्च करके एक बिजनेस को ज्वाइन स्टार्ट करता है, एक बिजनेस में 12000 रुपए खर्च करता है, कुछ दिनों के बाद में क्यू उसी बिजनेस में 16000 रुपए खर्च करके ज्वाइन करता है, क्यू के ज्वाइन करने के 9 महीने के बाद में पी और क्यू का जो प्रॉफिट है, जो लाभ है, वो बराबर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पी का पैसा कितने टाइम के लिए खर्च किया गया। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें क्या करना है, किसका पैसा, पी का पैसा कितना है 12000 इंटू पी का टाइम आपको निकालना है मान लीजिए एक्स, डिवाइडेड बाई क्यू का पैसा कितना है 16000 रुपए, टाइम मालूम है 9 मंथ्स, प्रॉफिट का शेयर कितना, इक्वल प्रॉफिट है, बराबर बराबर मिल रहा है, इसका मतलब 1/1। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, देखो ये 000 000 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 3 12, 4 4 16, 3 3 9, ऊपर में क्या मिला x इज इक्वल टू 4 3 12, उधर चला जाएगा। तो आपको क्लियर कट मिल गया कि p का पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ है, मात्र 12 मंथ्स के लिए, 12 मंथ्स के लिए। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। ठीक, कितनी आसानी से देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, p और q मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, p 500 रुपए 9 महीने के लिए खर्च करता है, q कुछ पैसा 6 महीनों के लिए खर्च करता है। अगर बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 69 रुपीज है जिसमें से क्यू को 46 रुपीज मिलता है, तो आपको बताना है कि क्यू का कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो वही तरीका लगाएंगे, पी का कितना पैसा लगा, पी का पैसा 500 इंटू पी का टाइम 9 महीने, डिवाइडेड बाय क्यू का पैसा मान लीजिए एक्स रुपीज है, क्यू का टाइम 6 इज इक्वल टू इनका प्रॉफिट। अब देखो टोटल प्रॉफिट है 69 जिसमें से क्यू को मिला है 46, तो क्यू का 46 है तो ऑटोमेटिकली कितना बचेगा, इनका डिफरेंस 23 हो गया पी का। अब इसी को सॉल्व कर लो, आपको एक्स की वैल्यू मिल जानी है। देखो 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 1 जा 23 2 जा, 2 से 6 को कैंसिल करो 2 3 जा, 3 से 9 को कैंसिल करो 3 3 जा, एक्स इधर जाएगा एक्स, और इधर 500 × 3 यानी कि 1500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू ने कितना पैसा खर्च किया था, तो आंसर आ गया 1500 रुपीज क्यू ने खर्चा किया था। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है कि एक ज्वाइंट बिजनेस में तीन पार्टनर का जो कैपिटल्स का मतलब जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो 5:7:9 के रेशियो में है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दे रखा है। आपको बोल रहे हैं कि उनका प्रॉफिट है 420 रुपए, आपको बताना है जो थर्ड वाला पार्टनर है उसको कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट का। तो भैया ये तो सिंपल सा रेशियो का क्वेश्चन है, हमने आपको समझा रखा है, पैसा जो बांटना है कितना 420, तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना बांटना होता है वो अमाउंट लिखते हैं इनटू, फिर हम आपको यहां पे क्या करते हैं इन तीनों को जोड़ दो तो 7 5 12 9 21, तो ये जो टोटल वैल्यू है टोटल सम करने के बाद में जो 21 आ रहा है वो यहां पर होगा, जिसका निकालना है वो न्यूमरेटर में लिखो 21 21 2 42 20 20 9 180। तो सिंपल सा मिल गया कि थर्ड वाले को कितना शेयर मिलेगा, 180 रुपीज मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब आप देख रहे हैं कि जो पार्टनरशिप है इसमें कैसे कैसे इजीली क्वेश्चंस आते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका कितना आसान है, और आप बिल्कुल इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते नहीं जिसकी वजह से इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए वीडियोज बाय DRS मैथ्स। इस वीडियो में इतना ही, फिर बाकी और चीजें हम देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियोज बाय DRS मैथ्स। आपको बस एक ही काम करना है, YouTube में DRS मैथ सर्च करना है, जैसे आप सर्च करोगे चैनल का जो प्रोफाइल पिक्चर है जो DP है उसको टच करोगे, जैसे आप टच करोगे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे होम वीडियो प्लेलिस्ट, तो थर्ड ऑप्शन जो प्लेलिस्ट का, जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस खुल करके एक तरफ से आ जाएंगे, आप उनको जैसे क्लिक करोगे तो सारे वीडियोज एक क्रम से एक ऑर्डर से चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एग्जाम वाइज आपको मिलेंगे, जिसे आपको खुद भी देखना है और उसको अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच आज का ये वीडियो देखने के लिए, देखते रहिए वीडियोस बाय DRS मैथ्स, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।